गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। ये शाम का ब्लॉग है। हस्बैंड जी आ गए थे 6:30 बजे करीब, तो खाना वाना दे के चले गए थे हम लोगों ने भी खा लिया था दिन में ही। तो डोल पर दोनों ऐसे खाना वाना खाने के बाद ही कम से कम 4 बजे करीब, 4 या 4:30 बजे करीब धूप में जाएंगे बोल रहे थे। झूला झूलने, इतना धूप हो रही है, अभी कहाँ जाएंगे बोल रही थी मैं। और इन दोनों अपना होमवर्क सब कर लिए थे, ऐसे यहाँ हम झूला झूलने के लिए आ गए हैं। और झूला भी जो है सारा टूट गया है, ऐसे नया झूला सब लगा रखे थे, सारा बच्चों ने जो है तोड़ दिया है। बस अब यही बचा है, रोल रोल वाला था, और एक ये है यहाँ का, ये बड़ा वाला भी जो है रोल वाला स्लाइड करने वाला, वो भी ख़राब हो रखा है। सीढ़ी वगैरह सारा टूट गया है चढ़ने वाला, तो अब यही है। और एक्सरसाइज करने वाला है, उस सब में थोड़ा बहुत इन लोग भी कर लेते हैं। और फिर लास्ट में थोड़ा बहुत यहाँ झूल के फिर झूला सब झूला लिया था बच्चों को। फिर अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, 7:30 बजे करीब फिर हम वापस से आ गए थे। और आते हुए हम आइसक्रीम लेके आ गए थे, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है बोल रहे थे, तो यहाँ पर अभी हम आइसक्रीम वगैरह खा ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कल परसों में चने भिंगो रखी थी, अंकुरित हो गया है काला चना और मटर। ये रहा थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, लाइट जो है इस टाइम चली गई थी, ऐसे कैमरा से थोड़ा बहुत कर ले रही थी। और सिंपल सा भून रखी हूँ ऐसे इस मुरमुरा साथ, मुरमुरा नहीं है, मुरमुरा होता तो और अच्छा होता। और नमकीन वगैरह ख़त्म हो रखे थे तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। और थोड़ा सा हम सब लोगों के लिए चाय भी कर लिया था ऐसे, डोले पर ही दोनों भी ऐसे ही भून के पसंद करते हैं। हस्बैंड जी ऐसे कच्चा खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार जो है खीरा वगैरह नहीं था, गाजर वगैरह। और इसके बाद ही मैं चाय वाय पीने के बाद आलू पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा जो है ड्रम में ख़त्म हो गया है, आलू को मैंने दिन में ही दाल के साथ चोखा बनाने के लिए किया था, तो वही बच गया था, तो वही मैंने पराठा कर दिया था। यहाँ पर दही भी बच गया था, तो साथ में मैंने दही भी दे दिया था हस्बैंड जी को पराठा के साथ। और डोल पर ही दोनों ने भी कर लिया है, हम सब लोगों ने खा लिया है, ऐसे रात का खाना सब हो गया है। और ये आज मॉर्निंग का व्लॉग है, आज मॉर्निंग को बन रहा है ग्वारपली आलू की सब्ज़ी। सॉफ्ट सॉफ्ट वाले आते हैं ना आजकल ग्वारपली, वही वाला। एक दो दिन तो मैंने बॉयल करके किया था, एक सीटी लगा के, थोड़ा सा मोटे मोटे हो जाते हैं ना, एक दो आ जाता है ऐसे, तो जो सॉफ्ट हैं उसको तो ऐसे ही बनाओ फिर भी चलता है। तो यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह स्वाद अनुसार नमक वगैरह सारा डाल दिया है। और हम सब लोगों ने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था, बच्चों ने भी और हस्बैंड जी भी। यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों बोल रहे थे नेल पॉलिश लगा देना मम्मी, अभी तो गर्मी छुट्टी हो रहा है, ऐसे स्कूल रहता है तो इन दोनों लगाते नहीं हैं, मैम सब देखेंगे फिर डांटते हैं बोलते हैं। नेल पॉलिश लगाना और मेहंदी लगाना इन दोनों को बहुत पसंद है, मेहंदी तो ऐसे नहीं लाए हैं, कल परसों शनि बाज़ार जाऊँगी तो ले आऊँगी बोल रहे थे, लेकिन उस दिन भी नहीं हो पाया, देखते हैं कभी ला देंगे, इन दोनों अपना लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों को ही लगा दे रही हूँ, नेल्स वगैरह तो मैंने कट कर दिया था थोड़ा बहुत, बस अभी नेल पॉलिश लगा दे रही हूँ। एक और एक बोतल था नेल पॉलिश पिंक कलर का, ये थोड़ा डार्क पिंक हो गया, और एक तो लाइट पिंक कलर का था, वो डोली ने गिरा दिया था तो ख़राब हो गया, पूरा बोतल ही गिर गया था, हाथ से चोट गया था डोली के। पर एक का लगा दिया है, अभी डोली का बारी है, डोली बोल रही थी मुझे भी लगा देना, दोनों को ही लगा दिया है। फिर साथ में मैंने भी थोड़ा सा अपने हाथों में पैरों में लगा लिया था, मैं भी ऐसे नहीं लगाती हूँ, पसंद तो है ऐसे, जब तक मिटता नहीं है ना अपने आप फिर दोबारा लगाने का मन नहीं होता है, कभी कभार रिमूवर से कर लेते हैं, लेकिन ऐसे आजकल कहीं जाना भी नहीं होता है तो ऐसे ही मैं नहीं लगाती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने भी इन दोनों को लगाने के बाद हाथों में कर लिया था और पैरों में लगा लिया था। और इन दोनों अपना होमवर्क वगैरह करेंगे, नाश्ता वगैरह तो कर लिए हैं ऐसे। डोले पर दोनों को नहाना भी है ऐसे, अपने आप अभी तो नहा लेते हैं,
तो दिन में नहाएंगे, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना, छत का पानी सुबह के टाइम पे तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है डालते हुए, तो दिन का पानी गर्म हो जाता है, उसी को थोड़ा सा मिला के नॉर्मल करके, ऐसे ही बिना मिलाए भी तो ज़्यादा ही गर्म लगता है। फिर इन दोनों अपने आप नहा लेंगे, और इधर मैं इन दोनों का नेल पॉलिश वगैरह लगा के मैं भी थोड़ा सा ये डस्टिंग वगैरह कर ले रही हूँ। आंधी तूफान आया था ना उसके बाद से, कल परसों आया था, 2-3 दिन हो गया तब से मैंने ये सब साफ़ नहीं किया है, स्लेब वगैरह, पंखा सब भी साफ़ करना है, पंखा वगैरह भी मैंने साफ़ नहीं किया है, बस गीले कपड़े से ही, ऐसे सूखे कपड़े से पोंछ दे रही थी। तो थोड़ा सा इस बार तो साबुन सर्फ लगा के थोड़ा सा साफ कर दूंगी, अच्छे से सोच रही हूँ। और स्लेब वगैरह भी ऐसे बस कि सूखे कपड़े से ही कर दे रही हूँ सारा, यहाँ टीवी के पीछे भी करना है, और नीचे जो रखा है ना सेट ऑफ बॉक्स वगैरह वहाँ भी साफ करना है, तार वगैरह थोड़ा ज़्यादा इधर घिचपिचा हो जाता है, तो सबसे पहले मैं यहीं कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद हॉल में भी कर दूंगी जहाँ फ्रिज रखा है। और यहाँ जो है मैंने फ्रिज को हटा लिया है, ये रहा, यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया है, नीचे पानी वगैरह गिरता है ना फ्रिज को जब डिफ्रेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, उसकी वजह से जो है धूल मिट्टी थोड़ा सा यहाँ चिपक गया है ये कोने में। और ये कैरम बोर्ड है, इसको भी मैं थोड़ा सा हटा लूँगी और अच्छा से साफ कर दूँगी, थोड़ा सा पोछा उछा लगा दूँगी, यहाँ कितना दिन से साफ नहीं किया, लग रहा है ऐसे थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा था, तो पानी लगा के ना मैंने यहाँ छोड़ दिया था 1-2 मिनट, और अच्छे से साफ हो गया था ऐसे। और क्रीम बोर्ड को भी मैं यहाँ से हटा लूँगी, जाली वगैरह जो है थोड़ा बहुत विंडो के यहाँ उस साइड में मैं साफ़ कर दूँगी थोड़ा सा, जब यहाँ साफ ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा उधर भी मैं कर दूँगी, फ्रिज रखने के बाद जो है यहाँ साफ़ करना नहीं होता है। और थोड़ा बहुत यहाँ भी डस्ट सा हो गया है, जम गया है ये स्विच सब में भी, स्विच बोर्ड में भी, और ये जो है इधर जाली फ्रिज के पीछे जो होता है यहाँ भी, जितना हाथ से हो पा रहा है उतना मैं कर ले रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं झाड़ू से भी कर दूँगी, अंदर साइड जो है सही से साफ़ नहीं हो पाता है, तो यहाँ मैं जाली वगैरह सारा थोड़ा बहुत झाड़ू से भी कर लिया था, थोड़ा बहुत हाथों से कर लिया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर थोड़ा सा मैं इधर पोछा भी लगा दूँगी, दाग सब जो है वो सब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और हॉल में जो है स्लेब वगैरह और सबको मैंने अभी साफ़ नहीं किया है, कल परसों तक मैं कर दूँगी। हिमानी के रूम का भी नहीं किया है मैंने, स्लेब वगैरह वो सबको भी साफ़ करना है, धूल मिट्टी बहुत हो जाता है 1-2 दिन में ही, ऐसे लगता है कितना दिन से साफ़ नहीं किया है। तो यहाँ पर ये रहा पोछा भी लगा दिया है, अच्छा से सूख गया है, फिर से मैं यहाँ सेट कर दूँगी फ्रिज को अच्छे से। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।